अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चीन और जापान में कोरोना विस्फोट के बाद भारत में एहतियात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यों को किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में किसी भी चुनौती से जूझने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए व्यवस्था दुरुस्त रखें, ये सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन कंट्रोल रूम फिर से सक्रिय हो जाए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को हर तरह की चुनौती से तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन का बैकअप, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंट्रोल रूम पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहे हों, इसका भी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि किसी भी चुनौती के लिए राज्य तैयार रहें, खासतौर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम सक्रिय रहें, ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध बनी रहे और साथ ही साथ ऑक्सीजन का बैकअप भी पर्याप्त हो। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है प्रफुल्ल, और तमाम राज्यों को ताकीद किया है। बिल्कुल, देखिए विकास, दूसरी लहर जब आई थी तब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी और इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा था, कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी। इसके बाद सरकार उसी समय हरकत में आ गई थी, कई बड़े अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए गए थे, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई हो ये सुनिश्चित किया गया था। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐसा कोई खतरा होता है जिसमें कोरोना की एक और कोई लहर आ सकती है और उस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तब लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें ना करनी पड़ी। इसलिए केंद्र सरकार ने अभी से राज्यों को ताकीद किया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो जो प्लांट्स हैं उन पे मॉकड्रिल कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध हो रही है और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो राज्य और केंद्र के बीच में जो एक सिस्टम बनाया गया था उसके जरिए इन्फॉर्म किया जाए। तो केंद्र सरकार अभी से एक्टिव है और अगर कोई आने वाले दिनों में किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आखिरी क्षण पे किसी तरह की तकलीफ ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सारी कवायद अभी से की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बकायदा चिट्ठी लिख कर एक पॉइंट पर जोर दिया है और कहा है कि सुनिश्चित करके राज्य सरकारें केंद्र को बताएं कि किस तरह के हालात हैं इस समय ऑक्सीजन प्लांट्स में, अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी सूचित किया जाए। जी, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार इस वक्त एक्शन में है। कोई भी खबर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी हुई प्रफुल्ल श्रीवास्तव के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।